बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी झोटियाँ चेक करें, सारी अल्हम्दुलिल्लाह इंसेमिनेशन की हैं, टीके की, और मुख्तलिफ बुल्स की हैं, कुछ टेस्ट बुल्स की हैं, कुछ प्रूवंस की हैं, और बड़ी ही ज़बरदस्त ग्रोथ रेट है इनकी। दो सवा दो साल तक की, डेढ़ सवा दो दो साल इस एज की हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इनका 270-280 केजी तक वेट है। उम्मीद है कि मार्च तक इंशाल्लाह इतना वेट गेन हो जाएगा इनका कि 350 तक वेट गेन हो जाएगा इंशाल्लाह, और इंसेमिनेशन भी होगी, क्योंकि अब हमारा मेन फोकस नेचुरल उसका नहीं रहा कि जो जो जानवर हीट में आएंगे और इंसेमिनेशन होती रहेगी। यूनिवर्सिटी की तरफ से भी हमने काफ़ी ट्रायल लिए हैं, खुद भी लगाए हैं। अब हम ये करते हैं कि जिस जानवर का वेट पूरा हो जाता है उन्हें प्रोटोकॉल लगा लेते हैं। सीडर अवेलेबल नहीं थे, स्पॉन्जेस बनवाए थे फैसलाबाद से नायाब से, वो लगाए थे, बड़े अच्छे रिजल्ट आए थे। अब जो जो जानवर वेट पूरा करेगा इंशाल्लाह वो इंसेमिनेट हो जाएगा। और दूसरी इनकी आजकल क्योंकि फाडर की थोड़ी सी शॉर्टेज होती है, क्योंकि नॉन प्रोडक्टिव जानवर है, प्रोडक्शन इनसे हमने लेनी नहीं है, तो इनको हमने 3 किलो के हिसाब से वंडा डालना शुरू किया। ये सफ़ेद बुल मुँह वाला टीदर बुल है, ये जो लड़ रहा है, 3 किलो के हिसाब से वंडा शुरू किया है, और एड लिब मतलब है कि खुली रोड ग्रास की हे दे रहे हैं, जितना जानवर खा सकते हैं, रात तक अवेलेबल रहती है, पड़ी रहती है, जानवर खाते रहते हैं। रोड ग्रास का ये है कि बीज थोड़ा महंगा है, बस एक दफ़ा आप कास्ट कर दें, उसके बाद काट काट के खुश करते जाएं। हमने भी यही किया था, गर्मी में सरप्लस चारा था हमारे पास, रोड ग्रास जो ही तैयार होता था काट के खुश करके रख लेते थे। अब सर्दियों में काम आ रहा है और जानवरों की ग्रोथ भी, ये जो नॉन प्रोडक्टिव जानवर है ना, चाहे ड्राई भैंसी हैं या झोटियाँ हैं, तो उनकी ग्रोथ में बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और कुछ भाइयों ने हमसे पूछा था एम्ब्रियो के हवाले से कि एम्ब्रियो के रिजल्ट का क्या बना है। वो चाइना वालों ने कोई 5-6 जानवर में रखे थे, उनमें कोई खातर खास सक्सेस नहीं हुई है। उनका कहना यही था कि गर्मी का मौसम था, हीट स्ट्रेस की वजह से जानवर कंसीव नहीं किए। उस हवाले से जैसे जैसे डेवलपमेंट होती रहेगी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। ये झोटी एक दफ़ा देख लें, बाहर की खुली में हे पड़ी है, रोड ग्रास की खुली डाल देते हैं, शाम तक जानवर खाते रहते हैं। और झोटियाँ हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा 5-6 तो ऐसी आई हैं फर्स्ट कवर, जिनका एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि 12 से 14 किलो दूध होगा पीक प्रोडक्शन। 3.5-4 साल एज है झोटियों की, उनकी भी मैं इंशाल्लाह जल्दी वीडियो बना के आपको शेयर करूँगा।